हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आई एग्जाम बी आई एम प्रतीक तलदार चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड योर अकाउंट्स फैकल्टी एट आई एग्जाम बी एज वी ऑल नो दैट ईएमआरएस अकाउंटेंट का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और रिविजन क्लासेस की अगर आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं तो एक सिलेबस का बहुत ही बड़ा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा सबसे पहले चालू करते हैं अकाउंटिंग से अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन और रूल्स पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन में सेपरेट लीगल एंटिटी प्रूडेंस रेवेन्यू रिकग्निशन अप्रूवल ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन आपको अच्छे से पढ़ने हैं रूल के अंदर आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से आना चाहिए जर्नल एंट्रीज का आपको बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जर्नल एंट्रीज आप सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से बनाएंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आप सिर्फ समझने के लिए पढ़ेंगे क्योंकि मेनी अ टाइम्स ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं पर जर्नल एंट्री आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से ही बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ए एस नाइन रेवेन्यू रिकॉग्नेशन आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए मल्टीपल क्वेश्चन इसके ऊपर देखे गए हैं पुराने एग्जाम्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स आपको अच्छे से आना चाहिए पार्टनरशिप अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज में भी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंगस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिलेटेड एग्जाम्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज भी पूछी गई है फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं कौन से शेड्यूल में कौन से सेक्शन के अंदर बनाए जाते हैं और उनका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसका आपको एक बढ़िया साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फिर आते हैं टैक्सेशन पे तो टैक्सेशन के अंदर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी है इनकम टैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको टीडीएस के प्रोविजंस पता होने चाहिए जैसे कि सैलरी रिलेटेड टीडीएस प्रोविजन प्रोफेशनल सर्विसेज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिलेटेड कौन से टीडीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं एडवांस टैक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स जैसे असेसी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर इन सब की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई हुई हैं इन टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे सैलरी हेड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सैलरी हेड के अंदर ग्रेचुटी कैलकुलेशन लीव इन कैशमेंट एच आर ए के प्रोविजन ये सब आपको पता होने चाहिए और टैक्स ऑडिट के इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट कैसे होती है कब करवानी पड़ती है उसके प्रोविजन्स भी आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए जीएसटी पे आते हैं तो जीएसटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होना ही चाहिए साथ में सप्लाई सप्लाई में भी इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या फर्क होता है इसके अलावा कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए रजिस्ट्रेशन लिमिट्स उनकी क्या चल रही हैं जीएसटी के अंदर और एक जीएसटी टीडीएस का कॉन्सेप्ट होता है तो इसका आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि जीएसटी टीडीएस के क्या प्रोविजंस होते हैं कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अभी आपने इनकम टैक्स के अंदर भी टीडीएस बताया था तो ये इनकम टैक्स का टीडीएस है जीएसटी का टीडीएस अलग तरह से ऑपरेट होता है उसका भी आपको बेसिक उसकी रेट और उसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए इसके बाद बात करते हैं ऑडिटिंग की तो ऑडिटिंग के अंदर आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट कितने तरह की ऑडिटिंग होती है स्टैचुटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट इनमें क्या फ़र्क होता है इसका आपको बढ़िया नॉलेज होना चाहिए कंपनी ऑडिट यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और कंपनी ऑडिट के अंदर भी जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिलेटेड टाइमलाइंस है जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है कितने दिनों में अपॉइंट करता है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में कौन अपॉइंट करता है और कितने दिनों में अपॉइंट करता है उसमें भी फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होता है सबसिक्वेंट ऑडिटर का अलग तरीके से होता है और वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं इसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मैं आपको कुछ रिवीजन क्लासेस में स्टैंडर्ड्स बताऊंगा उनके ही आपको नेम्स याद करने हैं उनके ही आपको नंबर्स याद करने हैं सारे के सारे आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि एक ऑडिटर ऑडिट audit करने के बाद अपना कंक्लूजन देता है एक रिपोर्ट में तो वो कितने तरह की रिपोर्ट्स इशू कर सकता है इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके अंदर सबसे पहला आता है रेशो एनालिसिस एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी पे भी आ सकता है और प्रैक्टिकल पे भी आ सकता है बजटिंग और बजटरी कंट्रोल का आपको बढ़िया नॉलेज होना चाहिए बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत डिटेल में नहीं पर उसका बेसिक्स आपको आना चाहिए उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है पी वी कैसे निकलता है ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कंप्यूट करते हैं अमाउंट में भी और यूनिट्स में भी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है कैपिटल बजटिंग बहुत डिटेल में नहीं पर उसके बेसिक्स आपको बिल्कुल आने चाहिए और इनकम स्टेटमेंट में डेटा फ्लो कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर रेशियो एनालिसिस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनकम स्टेटमेंट के डेटा फ्लो को समझते ही सॉल्व इजीली हो जाते हैं तो इसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए फिर डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये टॉपिक आपके सिलेबस के फेस पे दे रखा है क्लियरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट के लिए जी पोर्टल का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छे से आपके नोट्स में और लाइव क्लासेस में कवर किया गया है रिविजन क्लासेज में भी कवर किया जाएगा इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए लिमिट बेस्ड चीज़ें इसके अंदर कुछ लिमिट्स भी हैं वो भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए काफी सारे रीसेंट अपडेट्स का जो कि आए हैं जी पोर्टल के लिए तो अगर अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो जो कि एक नॉर्मल सी बात है तो कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको एक बढ़िया से रिवीजन की जरूरत है सो यू कैन ज्वाइन अवर रिवीजन क्लासेस यहाँ पे हम एफर्ट करते हैं कि 60 टू 70 परसेंट आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम रिविजन क्लास के अंदर ही करवा दें तो यू कैन ज्वाइन अवर रिविजन क्लासेस तो आपकी पहली क्लास रहेगी सेकेंड ऑफ डिसंबर को जो कि आई विल बी टेकिंग और आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी नाइन्थ ऑफ डिसंबर को जो प्राची मैम लेंगे सो यू कैन ज्वाइन अवर रिवीजन क्लासेस एंड ब्राइटन योर चांसेस टू इज दिस एग्जामिनेशन ऑल द वेरी बेस्ट जॉइन आई एग्जाम भी एंड प्रिपेयर फिफ्टी फास्टर